गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम इस वीडियो में स्टील का टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए लेट नहीं करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, द हाइएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ। आई सेक्शन का हाईएस्ट सेक्शन कौन सा होता है? तो इसमें है, पहला ऑप्शन है आईएसएमबी। जो आईएसएमबी होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम होता है, आईएसएलबी इंडियन स्टैंडर्ड लोअर बीम, आईएसएचबी इंडियन स्टैंडर्ड हाईएस्ट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम। चलिए बताइए, इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, जैसे कि गेस कीजिए। गेस नहीं हो रहा तो हम बता दें हैं, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आई एस एच बी इंडियन स्टैंडर्ड हाईएस्ट बीम। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेस रिस्पेक्टिव आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। चलिए बताइए, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस किससे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, हमेशा ये याद कर लीजिए कि बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस हमेशा ग्रॉस एरिया पर डिपेंड करता है या निकाला जाता है उससे, या टेंसाइल स्ट्रेस नेट एरिया से निकाला जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थिकनेस ऑफ थिनर आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन टेंशन विल बी टेकन एज। तो मैक्सिमम पिच कितना होता है इन टेंशन जोन में? तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच होता है 16 t या 200 mm। ठीक है, ये दोनों में से जो भी लेस होगा, कम होगा, वो उसी को प्रीफर करते हैं। तो आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है 10 mm, 10 mm थिकनेस दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे 16 t होता है, 16 t, तो 16 × 10 160, तो 160 या 200 mm। हमको सबसे कम तो यही है, तो 160 mm इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सेस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ रिवेट ग्रूव देन द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी बताइए, 3 सेकंड का टाइम है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा ओनली सीयर पे। इसमें क्या अप्लाई करता है? ओनली सीयर इस पे लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। बताइए इसमें से कौन सा रिवेट ज्वाइंट है जो बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री होता है? लैप ज्वाइंट, देखिए लैप ज्वाइंट क्या होता है, लैप ज्वाइंट ऐसा होता है ना, देखिए यहाँ पे लोड लगेगा, इधर से लोड लगेगा, तो यहाँ पे बेंडिंग आ सकता है। देखिए बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट तो जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कवर बट ज्वाइंट, अगर यहाँ पे देगा तो ऊपर क्यों फेल हो जाएगा, इससे भी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। बट जब डबल कवर दे देंगे तो यहाँ पे बेंडिंग नहीं आएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बट ज्वाइंट विथ डबल कवर प्लेट। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्रोवाइडिंग सफिशियंट एज डिस्टेंस विच ऑफ द फ्लोइंग फेलुअर्स ऑफ रिवेट ज्वाइंट कैन बी अवॉइडेड। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 3 सेकंड टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। चलिए इसका आंसर होगा सीयर फेलुअर ऑफ प्लेट।
हमेशा एज डिस्टेंस, मान ले कि प्लेट ऐसा रहे, यहाँ पे अगर रिवेट है तो जब भी फेल होगा तो सीयर फेल्योर होगा, ठीक है, हमेशा एज डिस्टेंस से सीयर फेल्योर होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। चलिए बच्चा वाला क्वेश्चन है, चलिए आप लोग तो बता ही सकते हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। इसका आंसर होगा 2.5D। चलिए क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन बन रहा है तो एक बार लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर डालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट टू बी कनेक्टेड बाई रिवेट इज 16 mm, देन सुटेबल साइज ऑफ रिवेट एज पर अनविंस फार्मूला विल बी। चलिए बताइए अनविंस फार्मूला क्या होता है। 6.01√T होता है, यहाँ टी का मैन वैल्यू दिया हुआ है 16 mm, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 24.04 आता है, ठीक है, तो इसका इसका राउंड ऑफ में इसका आंसर हो जाएगा 24 mm, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन बनेगा बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफिशेंसी ऑफ ए रिवेट जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800 इज। चलिए बताइए जल्द इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताइए, ये तो बहुत आसान है। इसका पहला ऑप्शन है 40%, सेकंड है 50%, सी है 60% एंड डी है 70%। चलिए इसका आंसर जरूर से जरूर बताइए, इसका आंसर होगा 60%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ड थ्रोट इज द। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि वेल्ड में जो क्रॉस सेक्शन होता है वो थ्रोट क्या होता है, मिनिमम डायमेंशन होता है, एवरेज डायमेंशन होता है, कि मैक्सिमम डायमेंशन होता है, कि कोई डायमेंशन नहीं होता है। चलिए बताइए इसका थ्रोट थिकनेस क्या होता है, 0.70 होता है ना, 707S, या होता है S/√2, ठीक है, तो ये होता है आपका मिनिमम डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन होता है, मिनिमम डायमेंशन। चलिए आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं इसलिए कि बहुत सारा क्वेश्चन है तो करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए कम कम समय दे रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको स्पीड भी बढ़े और क्वेश्चन अटैम्प्ट भी एक्यूरेसी भी सही रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वोल्ट्स आर सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ वोल्ट इज। चलिए बताइए एकदम सही है, एकदम सही क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हम खुद बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हाई स्ट्रेंथ वोल्ट, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्टैंडर्ड 45° फिलेट द रेशियो ऑफ साइज और फिलेट टू थ्रोट थिकनेस। क्या बोला है, साइज बाय थ्रोट थिकनेस, तो अभी तो बताया था साइज बाय √2, तो इसका एस से एस कैंसिल, साइज से साइज कैंसिल हो गया, √2 पर जाएगा तो √2:1, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब। चलिए क्वेश्चन बन रहा है तो कम से कम एक लाइक जरूर किया कीजिए भाई, प्लीज करें कर दीजिए, क्वेश्चन बन रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, प्लेट थिकनेस, साइज ऑफ वेल्ड या पेनिट्रेशन थिकनेस। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर सभी दे सकता है यार, इसका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड एज कम्पेयर टू द थिकनेस ऑफ प्लेट इज वैली। चलिए आपको इसमें डायग्राम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे डायग्राम होता है बट वेल्ड का, इसमें जब भी फिलेट करते हैं तो यहाँ से ऊपर की ओर करते हैं, ठीक है, तो ऊपर की ओर करते हैं तो इसका थिकनेस बढ़ जाता है, समझे, इसका थिकनेस बढ़ जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा, मोर। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन कंप्रेशन इट्स। इसमें बताइए, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी तुरंत बताए थे मैक्सिमम पिच रिवेट इन टेंशन बताए थे, कंप्रेशन में होता है, टेंशन में क्या होता था 16T और कंप्रेशन में 212T, इसमें जो भी कम होगा वो उसको प्रेफर कर लेंगे, ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर कॉलम सेक्शन इज जनरली नॉट यूज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, सर्कुलर कॉलम क्यों यूज नहीं करते हैं एक्चुअल में, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो कनेक्शन होगा वो डिफिकल्ट होता है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, तो देखने से नहीं लग रहा है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाई ए मेजरिंग वॉल इज क्या होगा। चलिए इसका बता देते हैं, इसका देखिए इसका फिगर से बता देते हैं आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें देखिए इसमें दो सपोर्ट है, ठीक है, ये वॉल लगा हुआ है, ठीक है, मेजनरी वॉल, ठीक है, अब यहाँ पे जो आ रहा है इस पर तो कोई बकलिंग नहीं होगा, कोई बकलिंग होगा नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट इसे मिल रहा है, ठीक है, इससे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लेंडरनेस रेशियो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर जीरो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। चलिए आते हैं, चलिए एक और आसान क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड्स एंड रिस्ट्रेन इन डायरेक्शन एट वन इंड इज टेकन एज। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या बोल रहा है, एक इंड रिस्ट्रेन है और दोनों इंड क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ इंड में हेल्ड किया हुआ एंड रिस्ट्रेन डायरेक्शन एट वन इंड, तो इसका फिगर ऐसे होगा, जानते होंगे, तो यहाँ पे बताइए इसका इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, 0.8L, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपर इम्पोज लोड इज। चलिए बताइए इसको तो समझाना है ना, ये तो वो याद करने वाला चीज है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए स्टील कॉलम द डिजाइन ऑफ विच इज गवर्न्ड बाय विंड और सिस्मिक फोर्स इज। चलिए बताइए इसका आंसर, ये भी तो याद करने वाला है, तो भी समझाने वाला चीज़ है नहीं, इसका डायरेक्ट 250 याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 800 इन द मर्चेंट रैंकाइन फार्मूला द वैल्यू ऑफ इनपरफेक्शन इंडेक्स इज। रैंक मर्चेंट रैंकाइन कोफिशिएंट क्या था, वो था 1.4, ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम
इज इंक्रीज्ड बाय। चलो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बैटन कॉलम में इफेक्टिव लेंथ कितना परसेंट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 10% इंक्रीज कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरलैप ऑफ बैटन प्लेट्स विद द मेन मेंबर इच वेल्डेड कनेक्शन शुड बी मोर देन। फिर बताइए इसमें क्या होगा आंसर। इसमें इसमें बोला जाता है कि 40 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन। अब कम नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा होने के लिए 40 ही आंसर होगा। उससे कम नहीं होना चाहिए तो कम नहीं होगा, तो मतलब 40 से ज़्यादा होगा। मिनिमम क्या है, 40 है, ठीक है। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इज लिमिटेड टू। चलिए बताइए मिनिमम स्पेसिंग कितना होता है। मिनिमम स्पेसिंग होता है D/3 एंड मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 1.5D। नहीं याद हो तो लिख ले कॉपी में ध्यान से, ठीक है, क्योंकि कुछ पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, संभावना क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और ये भी बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सभी क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर लिख के ज़रूर सेंड कीजिए, आंसर लिख के ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब चीज़ कर दीजिए। और कुछ में कुछ त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आगे वाले वीडियो में हम त्रुटि को सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।